बड़ी खबर। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर। काशीपुर में एक होश उड़ा देने वाला मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें, जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर क्षेत्र दड़ियाल रोड स्थित हनुमान नगर में एक व्यक्ति के घर रात संदिग्ध परिस्थितियों में लगभग आधा दर्जन से अधिक नकाबपोश बदमाशों ने धावा बोल दिया। मिली सूचना के अनुसार बताया जा रहा है कि मकान स्वामी को उसके परिवार समेत बंधक बनाए रखा एवं इस डकैती को अंजाम दिया गया। इस सूचना से क्षेत्र एवं पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पीड़ित द्वारा बताया गया कि लगभग 8 से 9 लोग उसके घर पर सीढ़ी लगाकर चढ़े और सबको बंधक बनाया, जिसके बाद लाखों की चोरी को अंजाम दे दिया गया। फिलहाल मकान स्वामी द्वारा बताया गया, इस दौरान बदमाश अपने साथ लगभग 40 से 42 लाख की ज्वेलरी एवं लगभग 10,000 की नकदी ले गए। साथ ही हवाई फायरिंग भी इस दौरान बदमाशों द्वारा क्षेत्र में अपना भय बनाने के लिए की गई। फिलहाल मकान स्वामी इस मामले की तहरीर लेकर पुलिस को देने जा रहे हैं, जिसके बाद अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुरागीलाल न्यूज। देखिए, मैं 12 बजे यहाँ सोया था और लगभग 1 बजे की घटना है। 1 बजे जो है वो प्रवेश कर गए थे जो डाकू लोग थे, किस माध्यम से आए बाहर से वो तो वही जानते हैं, लेकिन मेरे जब मुझे कंट्रोल कर लिया, तमंजे तान लिए, मुझे कंट्रोल में ले लिया पूरी तरह से, मैंने हुज्जतबाजी की तो मेरे बटों से जो प्रहार किया, फिर मेरे हाथ पैर बांध दिए और मुझे भी अंदर ले आए। अंदर लाकर इन्होंने जो है जो मेरा बच्चा था हनी, ये मेरे इसको भी पकड़ लिया और इससे जो वो चाबी वामियाँ पूछने लगे मारपीट के, इसके साथ ही मारपीट की थोड़ी, और चाबी भी लेकर इन्होंने सेफ खोल दी। सेफ में कम से कम 8-10 हज़ार रुपये नगद थे जो गन्ने के थे, बाकी जेवर था, बाकी जो ज्वेलरी थी, ज्वेलरी 42 लाख की होगी, हाँ 40-42 लाख की ज्वेलरी थी करीब, कम से कम 8-10 लोग का आइडिया है का लोग थे। बिल्कुल सबके पास हथियार थे, हथियार एक एक ही नहीं थे, हथियार तमंचे भी थे उनके पास, काटने के भी हथियार थे, क्योंकि उन्होंने केबिल भी काटी है। पुलिस को जो है वो हमने ये समझिए कि ये 1 बजे आ गए थे तो कम से कम ये 1:30 बजे जो है यहाँ से बाहर हो गए थे, कम 1/2 घंटे लूटपाट की थी इन्होंने, और 1/2 घंटे लूटपाट करने के बाद जो है फिर हम जब नीचे गए तो करीब 2:45 बजे जो है हमने रिकॉल किया था 112 पे। तो पहले तो लगा नहीं था नंबर, फिर बाद में लगा, तो फिर उसके बाद उसकी कम से कम 1 घंटे बाद पुलिस आई हो, करीब 2:30 बजे आई हो। मेरा नाम हनी है और जब यहाँ पे शोर मचा था तो मैं उठा था, तो यहाँ पे कम से कम 8-9 लोग अंदर आए थे और फिर हमें कहा था कि चुप रहो, फिर हमें बांधा था, फिर मुझे लाए अंदर, फिर मुझे ही मारा था, फिर पूछने लग गए कि चाबी कहाँ है, तो मैंने कहा कि मुझे तो नहीं पता, मम्मी को पता है चाबी कहाँ है, फिर वो ढूंढने लग गए तो उन्होंने उलट पुलट करा तो चाबी उन्हें मिल गई थी, तो उन्होंने खोल के फिर सारा सामान ले लिया था।